जो है ईदगाह के 6 साल मुकम्मल हो चुके, एक नई इमारत भी तामीर की गई है और यहाँ का खाता भी जो है आपकी कोशिश की जानिब से यहाँ का खाता भी बनवाया गया है। जी, अल्लाह का शुक्र है। जब मैं वक्फ बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था तो आप लोगों को मालूम है बहुत से ऐसे इदारों का खाता मैंने बनाया है। यहाँ भी बहुत परेशानी थी का आलम था। यहाँ एक माली को रखा गया था, वॉचमैन जैसा रखा गया था, वो खुद उसमें मेरी ज़मीन है बोल के पकड़ कर बैठ गया था। बहुत तकलीफ़ हुई कमेटी वालों को। पहले तो खाता नहीं था हाथ में, उसके ऊपर वो क्लेम कर रहा है कि ये जगह का मालिक वो है। एक माली जो एक बाग की शक्ल में था, ये ईदगाह तो माली था, वो देखभाल करता था, वो खुद बैठ गया कि वही इसका ओनर है। तो इसमें बड़ी तकलीफ हुई। तब कमेटी वालों ने मुझसे अप्रोच किया, मैं जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था तो मैंने कॉरपोरेशन में भागदौड़ की, इसके पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। पुराने रिकॉर्ड्स में बाकायदा मेंशन था कि ये ईदगाह की जगह है, मुस्लिम ईदगाह बोल के लिखकर था, तब जाकर इस ईदगाह का खाता बना। मुझे खुशी है कि आज इस माशाल्लाह इस कमेटी ने, अलसूर जामिया मस्जिद की कमेटी ने बहुत मेहनत की है, ईदगाह को बड़ी अच्छी तरीके से कंपाउंडिंग वॉल डालकर एक अच्छा बैकग्राउंड देकर यहाँ जो ईदगाह की शक्ल लाई है, इसमें माशाल्लाह बहुत खुशी हुई मुझे। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस कमेटी को जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। इसके बाद भी इसे मेंटेन करना है। 2 साल के मुकम्मल हुए हैं, इसके बारे में क्या नई तामीर भी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। ये ईदगाह की एक तारीख है, अल्हम्दुलिल्लाह 103 साल पुराना हमारा ईदगाह है। अनवरुल इस्लाम जामिया अलसर की इस ईदगाह की बुनियाद 103 साल पहले की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस ईदगाह की खसूसियत क्या थी कि यहाँ पर ये तमाम जितना भी इलाके हैं तकरीबन 45 मस्जिद का एक ही ईदगाह था। के आर पुरम, हिचेल, के आर टिन फैक्ट्री, अलसूर, गौतमपुरा, दमलूर, ये जितना भी इलाका है उसके लिए सब किसम का जितने भी इलाके हैं ये तमाम इलाकों के लिए एक वाहिद ईदगाह था, ये तारीख़ ईदगाह था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने इसकी महफूज करके रखे। अब ये हमारा इस जनरेशन है कि हमें मज़ीद इसे और तरक्की दें, इसे सही शक्ल दें ताकि आने वाले हमारे बच्चे इसकी इसे फ़ायदा भी हासिल करें। हमारा इरादा है कि ईदगाह सिर्फ 2 बार इस्तेमाल ना हो सके, इसमें मज़ीद हमें चाहते हैं कुछ जलसे, कुछ बच्चों को कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स इवेंट भी यहाँ पे चलें, कुछ दीनी मजलिस भी यहाँ पे चलें। यह हमारा इरादा है, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम यही कोशिश करेंगे कि इसे आबाद भी रखना, इसकी हिफाजत भी करना। अब तमाम सब बहुत से लोग डोनर्स भी हैं जिन्होंने इसमें ताउन किया, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ही जो भी हुआ अल्लाह ही के फजल से ही हुआ। शुक्रिया। जो काम हुआ है हमारे जामिया मस्जिद अलसूर का अंदर का मेहरब का काम हुआ, तो पीएपी का काम हुआ, माशाल्लाह बहुत सी अच्छा काम हुआ मस्जिद का, जामिया मस्जिद का। वो पूरा ख़त्म होने के बाद हम इसी ईदगाह के अंदर घुसे। ईदगाह का तो माशाल्लाह मैं कर्नाटका के अंदर फर्स्ट ईदगाह समझूंगा, मैं बेंगलुरु शहर के अंदर नहीं, कर्नाटका के अंदर पहला ईदगाह। इसमें पेपर में भी आउट कर रहे हैं हमें और व्हाट्सएप से भी हमें ये कर रहे हैं ईदगाह को। माशाल्लाह ऐसा ईदगाह हमें देखी ही ना बेंगलुरु के अंदर ना कर्नाटक के अंदर देखी है। माशाल्लाह बहुत सी साहिबान ने हम इस ईदगाह का बहुत तारीफ़ करी और जितने भी साहिब आए थे यहाँ बड़े बड़े मौलवी साहब उन्होंने बुजुर्गों उन्होंने भी तारीफ़ करी है। और इसके बाद है सो हमें हमारी प्रॉपर्टी अलसूर जामिया मस्जिद जो मेन रोड पर बाजार स्ट्रीट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बनने का जो ये इरादा करे हमें, इंशाल्लाह ईद के बाद उस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हम घुसना चाह रहे हैं। ये जो है, ये जो इलाका है अलसूर जामिया मस्जिद, इसका अंडर में कब्रस्तान है और ईदगाह है। ईदगाह करीब 1 एकड़ चिल्लर है ईदगाह, और कब्रस्तान भी करीब 2 एकड़ चिल्लर है। अल्लाह का एहसान है जो हमारा कमेटी चुनने के बाद जो पूरे जब भी जो इलेक्शन के टाइम पे भी आए थे, जो इस हमारे सदर साहब नफीस भी है, नायब साहब मौजूद साहब है, महबूब साहब है, हमारा सेक्रेटरी साहब है, पूरे का फजलुल्लाह भाई और पूरा मंसूर भाई, जो भी हमारा इरशाद भी, जितने भी पूरा मेंबर्स अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह साहब बहुत बड़ा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। पहले जो मस्जिद का जामे मस्जिद के मेहराब है ना, अल्लाह का फजल से जो महबूब भाई और हमारा नफीस भाई सब मिलके पूरा कमेटी मिलके अच्छा खूबसूरत ये बनाया, उसके बाद मौका मिला कि जो ईदगाह का मेहराब बनाए। तो हमारा शुरू से हमारा ये था नफीस भाई, पूरा हम बात कर रहे थे जो बना तो बेहतरीन भी बेस्ट बेंगलोर के अंदर नामचीन मेहराब बने, तो अल्लाह का एहसान है ऐसा ही बना। जो हमारा लीडर्स, हमारा जो भी जो उलमा हमारे साथ और मोहल्ले के नौजवानों हमारे साथियों के पूरे उनके दुआएँ और मेहनत से
ये तारीख चीज़ बन। और सबसे ज्यादा ताऊन है हमारे नफीस साहब का और सादिक साहब का, नहीं माओ भाई सब जने माओ मंसूर इंफरादी का नहीं है, ये सबकी टीम वर्क है। हमें जैसे मंसूर में आप लोग आए थे इलेक्शन के वक्त भी, हमें आपको बोले थे ये भी बता दिया सौ साल का। अच्छा चिल्लर साल पुरानी थी, उसको शहीद करके उसका जो ये मीन स्टोन था वो हमें आप अभी रखे आप देख सकते हैं, क्योंकि उधर पूरा वो टाइम पे वो दौर का तो वो मीन नंबर वन था रहेगा, तो ये दौर का पूरे के मेहनत से अल्लाह का फजल है हुआ। और पूरा कमेटी सब, मैं क्या बोलता हूँ, जब अल्लाह साहब ने कोई मौका देता मौके के भरपूर सब लोग, ये जो दूसरे को भी एक ये होना चाहिए कि दूसरे भी मस्जिदों में ईदगाहों में खूबसूरत बनाए, जैसे अपना घर सजाते हैं अल्लाह घर भी सजाए, अल्लाह सबको इसे ताकत दे। दुआ की दरख्वास्त है आपसे भी और कमेटी के भी, हमारा जो 11 लोग कमेटी है इंशाल्लाह और ताकत देगी, इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छे से काम करें।